ओके नमस्कार स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 की जो क्लास है इसमें इस वीडियो में हम जानेंगे एडवांस फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल, यानी कि ये सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का एडवांस फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल, इसका नेम है। तो इसमें हम जो एक्सेल के कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर दिया था वो भी एमएस एक्सेल के यहाँ पे था, लेकिन उसमें जो फीचर्स थे उनसे ये फीचर थोड़े अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। इसमें सबसे पहला फीचर दिया हुआ है डाटा सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग ऑफ डाटा मतलब जो भी डाटा हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस डाटा को किसी भी ऑर्डर में सेव कर लेते हैं, जैसे ए टू जेड या जेड टू ए, या फिर नंबर्स होता है 1, 2, 3, 4, या नीचे से हो सकते हैं नंबर वाले जी 10, 9, 8, 7। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं ये कहलाते हैं डाटा सॉर्टिंग, यानी डाटा को सॉर्ट करना। अब डाटा को हम दो प्रकार से सॉर्ट कर सकते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि छोटे से बड़ा। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ अल्फाबेट की भी बात हो रही है। जब असेंडिंग ऑर्डर होता है तब अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी, और जो नंबर होते हैं वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से होते हैं, यानी कि छोटे से हमको बड़े की तरफ बढ़ना होता है। दूसरे होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग का उल्टा होता है, यानी कि इसका विपरीत है। इसमें जब डिसेंडिंग की बात होगी तो अल्फाबेट में जेड से संख्या शुरू होगी, जेड बाई एक्स से, और नंबर्स की बात होगी तो नंबर्स उल्टे होंगे, जैसे 10, 9, 8, 7 इस प्रकार से। तो ये दो प्रकार से डाटा को हम सॉर्ट कर लेते हैं। अब एक्सेल की वर्कशीट में आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो उसमें देखा होगा उसमें क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं, रोज होती हैं वर्कशीट में। अब यहाँ जो बात हो रही है वो इसके और टाइप्स की बात हो रही है, जिसमें हम वन कॉलम सॉर्टिंग या मल्टी कॉलम सॉर्टिंग की बात करेंगे। जब बात करेंगे वन कॉलम सॉर्टिंग की, तो वन कॉलम सॉर्टिंग में क्या होगा कि एक ही कॉलम को हम सॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो डाटा हमारे पास है उसका जो सिंगल सेल है उसी का हम सॉर्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो है मल्टी कॉलम। मल्टी कॉलम में आप एक से अधिक कॉलम को एक साथ सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे आप दो कॉलम ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, या आप पूरी वर्कशीट अपनी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार से और सॉर्ट होता है, एक सिंगल और दूसरा मल्टी कॉलम, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है, कल जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम डाटा फिल्टरिंग जो इसका नेक्स्ट फीचर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।